हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ए जे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इन द सेंस पार्ट वन में हमने देखा था कि सीजीए क्या है, इन द सेंस जो जावा सर्वलेट कंसेप्ट है और कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ, उसका क्या बोल सकते हैं इवोल्यूशन किस तरह से हुआ या कोई अल्टरनेटिव्स किस तरह से हमने जावा सर्वलेट का यहाँ पे लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट सेक्शन में देखे। तो किसी को पता नहीं होगा कि जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी हमने क्यों यूज़ की, किस तरह से उसका इन्वेंट हुआ, तो वो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज एन जावा सर्वलेट पार्ट टू। इन द सेंस इसके अंदर जो एक्चुअल जो कंसेप्ट होगा हमारा जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी, तो जावा सर्वलेट टेक्नोलॉजी किस तरह से बिल्ड हुई, किस तरह से इन्वेंट हुई या किस तरह से यूज होती है। Okay, तो फर्स्ट देखते हैं जावा सर्वलेट। इट इज एन सर्वर साइड प्रोग्राम दैट सर्विसेज HTTP रिक्वेस्ट एंड रिटर्न द HTTP रिस्पॉन्स। ओके, इसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइक एंड प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे, दैट इज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इट टेक्स अ रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ HTTP एंड ऑल्सो रिटर्न्स द रिजल्ट एज एन HTTP रिस्पॉन्स। ओके, a good analog of non-usual applets that run a web server. Its life cycle is similar to applets and run inside the JVM at a web server. Okay, जो हमारी JVM की लाइफ साइकिल है सिमिलर हमारे सर्वलेट की यहाँ पे लाइफ साइकिल होने वाली। सो नेक्स्ट, सर्वलेट इज अ मॉड्यूल रिटर्न इन जावा रन ऑन एनी सर्वर एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि सर्वलेट हम कौन से लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हैं, दैट इज एन जावा लैंग्वेज। ओके, जावा लैंग्वेज यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे सर्वलेट को लिखेंगे। एंड कोई भी हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उसके ऊपर इसको रन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज मोस्ट द सर्वलेट इज द ऑब्टेन यूज ऑफ मीनिंग ऑफ HTTP सर्वलेट। ऑब्वियसली हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि हम क्या कहते हैं इन सर्वलेट HTTP सर्वलेट क्यों बोलते, क्योंकि फॉर एन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम यहाँ पे क्या करें, फॉर गेट एंड पोस्ट मेथड भी यूज करेंगे हमारे HTTP के अंदर के। सो दैट इज एन HTTP सर्वलेट, इसको हम बोलेंगे कॉमनली। नेक्स्ट दैट इज एन इट इज अ सपोर्ट बाय वर्चुअली वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, कि बोथ वे में हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपका एक्चुअल सर्वर होगा उसके ऊपर भी हम हमारे जावा सर्वलेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली आपका वर्चुअल सर्वर होगा उसके ऊपर भी हम जावा सर्वलेट को यहाँ पे रन कर सकते हैं, कि बोथ वे में इसको सपोर्टेबल है। देन द सॉल्व द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम by executing all requests as a thread in a one process. ओके, CGI के अंदर आपको याद होगा, CGI के अंदर हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक each and every request, each and every thread, a single process यहाँ पे थी। बट जैसे कि मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स एंड मल्टीपल प्रोसेस जनरेट होते थे। बट इन जावा सर्वलेट सिंगल प्रोसेस के अंदर या वन प्रोसेस के अंदर हम जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट एज अ थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस। द नेक्स्ट इज इट कैन इजीली शेयर रिसोर्सेज। ओके, डेटा जैसे कि CGI के अंदर क्या डिसएडवांटेज था, कि जो ईच एंड एवरी डेटाबेस कनेक्शन हमें क्या करना पड़ता था, सेपरेटली उसको कॉन्फिगर करना पड़ता था एंड सेपरेटली उसको क्या करना पड़ता था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने की वजह से हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको फिर से डिप्लॉय करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इजीली शेयर कर सकते हैं। किस तरह से शेयर करेंगे, तो हम वो प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि विद अ कनेक्शन ऑफ अपाचे सर्वर एंड MySQL डेटाबेस, सो उस किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन में कवर करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे इन अ थ्योरेटिकल पार्ट, इट कैन इजीली शेयर ऑफ रिसोर्सेज। Then next, it can be easily ported or the platform that supported Java and run inside the JVM. कि जितने भी numbers of different systems होंगे कि जो हमारे जावा में है और supported by Java, तो सभी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जावा सर्वलेट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दैट इज देन सर्वलेट एंड वेब सर्वर। ओके सो क्या है हमारा सर्वलेट? तो सर्वलेट इज रिटन इन जावा, डायनामिकली एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ एन एनी जावा enabled वेब सर्वर and the web server is generally cannot talk with the database। ओके जहाँ पे दो थिंग्स है जस्ट लाइक हमने देखा था CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। ओके सो सर्वलेट भी क्या कर रहा है यहाँ पे इंटरफेस की तरह टास्क परफॉर्म करने वाला है। ओके सॉरी गेटवे की तरह टास्क परफॉर्म करने वाला है। तो गेटवे क्या होता है? टू डिफरेंट थिंग को हमें कनेक्ट करना होगा सो वी यूज एन गेटवे। सेम थिंग को इफ हमें कनेक्ट करना होता है वी यूज अ ब्रिज। ओके सिंपल है जस्ट लाइक अभी हम मुंबई में सो मुंबई का बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आपको पता होगा गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया के जो मुंबई में सो वो क्या कर रहा है लैंड और सी के पानी और जमीन को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है सो वी कॉल्ड एज अ गेटवे। तो सिमिलर यहाँ पे क्या कर रहा है दो डिफरेंट थिंग जस्ट लाइक एक हमारा डेटाबेस है और एक हमारा वेब सर्वर। ओके वेब सर्वर एंड डेटाबेस दो डिफरेंट थिंग्स है तो दोनों का हम कनेक्ट कर रहे हैं सो वी यूज एज गेटवे जिसका कॉमन गेटवे इंटरफेस यूज करते थे बट अभी उसको हमने अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेटिव जस्ट लाइक एंड जावा सर्वलेट यहाँ पे यूज करने वाले तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे जो हमारा सर्वर एंड डेटाबेस है यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करने वाले। तो दिस इज द वे द सर्वलेट हेल्प टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर की जितने भी फंक्शनलिटी होगी उसको एक्सटेंड करने के लिए इलेबोरेट करने के लिए हम यहाँ पे हमारा सर्वलेट यूज करने वाले। तो किस तरह से हम एक्सटेंड करते सकते हैं जस्ट लाइक कि इन जावा वी यूज डॉट क्लास फाइल। ओके जस्ट लाइक कि कंपाइल वंस एंड एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम और एनी मशीन बाय यूजिंग अ डॉट क्लास फाइल हम क्या कर सकते हैं इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। Then the web server is used a servlet ability to access a database table। ओके एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारे सर्वर के पास एबिलिटी होगी टू एक्सेस अ डेटाबेस टेबल सो इजीली हम क्या कर सकते हैं कोई भी क्वेरी फाइल कर सकते हैं ऑन अ डेटाबेस एंड इजीली कोई भी डेटा उसके अंदर फेच कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा सभी टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज एन कम्युनिकेशन बिटवीन वेब सर्वर एंड डेटाबेस। ओके सिंपल। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज एन सर्वलेट क्लाइंट। ये तो क्लाइंट यहाँ पे क्या करेगा टास्क परफॉर्म। इवन दो द सर्वलेट आर रिटन इन जावा देयर द क्लाइंट मे नॉट इसेंशियल टू बी राइट इन जावा सर्वलेट। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एप्लीकेशन दैट कंज्यूमर्स द सब आउटपुट ऑफ ए सर्वलेट जैसे कि कोई भी यूजर होगा। ओके जैसे कि सर्वलेट हमारा है जो हमने जावा में रिटर्न किया बट डज नॉट नेसेसरी कि जो हमारा यूजर होगा कि वो भी जावा से बिलोंग करे तो उसको दूसरा कोई लैंग्वेज अच्छा लगता होगा जैसे कि Apache होगा, .NET होगा या PHP हो सकता है कि कोई भी लैंग्वेज के ऊपर जो क्लाइंट होगा उसको रिक्वायरमेंट होगी तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इजीली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर्वलेट क्लाइंट कैन बी रिटर्न एनी डिजायर्ड लैंग्वेज कि जो भी क्लाइंट को रिक्वायर्ड होगा वही कोई भी लैंग्वेज से क्या कर सकता है अपना कोड लिख सकता है। डजंट मैटर कि ऑल एनी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय अ जावा सर्वलेट क्लाइंट। ओके जावा सर्वलेट और जावा सर्वलेट क्लाइंट कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज में होंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट so it simple means that the servlet are used as a middle tier and distribution of application and system। okay simple है जैसे कि हमने मल्टी टायर आर्किटेक्चर देखा था लास्ट टाइम। इफ किसी को याद नहीं होगा तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिडल टायर यहाँ पे क्या टास्क परफॉर्म करेगा जैसे कि वेब सर्वर है हमारा जो कोई भी लैंग्वेज का है डजंट मैटर। देन जो हमारा डेटाबेस है कोई भी हो सकता है SQL, MySQL या Apache सर्वर कोई भी डेटाबेस हो सकता है बट जो हमारा मिडल होगा कि मिडल टायर कौन सा है हमारा जावा सर्वलेट जो क्या टास्क परफॉर्म करेगा सर्वर से वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेगा डेटाबेस के ऊपर जाएगा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा परफॉर्म करेगा एंड एज अ रिस्पॉन्स जो भी इंफॉर्मेशन अगेन बैक टू द वेब ब्राउजर। ओके सिंपल टास्क मिडल टायर का यहाँ पे जावा सर्वलेट परफॉर्म करने वाला है। okay, फिर भी कोई डाउट होगा तो उसका मेक सेक्शन आपके लिए तो रेडी है, तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन. देन द सर्वलेट कैन टर्न क्लाइंट टू अदर सर्विसेज विच आर रिटर्न इन सम अदर लैंग्वेजेस. ओके, सिंपल वही चीज़ वापस हमने यहाँ पे बताइए कि सर्वलेट कैन टर्न टू बे क्लाइंट और टू अदर सर्विस. कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं और यूजिंग जावा सर्वलेट, एंड जो हमारा क्लाइंट होगा वो कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर सकता है फॉर एंड रिटर्न एन एप्लीकेशन. ओके, कोई भी लैंग्वेज की सर्विस होगी सभी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे टू एंड जावा सर्वलेट. देन नेक्स्ट सर्वलेट कंटेनर. ओके, सो लास्ट टाइम आपका टॉपिक हो चुका है दैट इज एन सर्वलेट नॉर्मल कंटेनर. ओके, कंटेनर क्या होता है? इन द सेंस इंजिन. सो सर्वलेट कंटेनर इन द सेंस सर्वलेट इंजिन दैट प्रोवाइड the runtime environment in which a servlet is executed. Okay, specially एक environment एक हम create करेंगे for an execution of an servlet. So by using a servlet container हम एक specifically environment जहाँ पे हमारा servlet execute होने वाला है. The servlet engine manage the life cycle of an servlet from moment they are created until they are destroyed. कि different stages हम बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ साइकिल के अंदर सर्वलेट के लाइफ साइकिल के अंदर होने वाले, तो जब तक हमारा सर्वलेट क्रिएट होता है एंड डिस्ट्रॉय होता है कि सभी मोमेंट ऑफ टाइम हम कहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हमारे सर्वलेट कंटेनर. एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के अंदर ही हम उसको क्रिएट करेंगे एंड लास्ट में डिस्ट्रॉय करेंगे, तो सभी चीज़ें हमारे सर्वलेट कंटेनर के अंदर होने वाली. द सर्वलेट इंजिन एक्सपोज द एपीआई based on the version of servlet specification and its implementation. कि specifically expose हम क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे? on the basis of API and different version of an servlet according to version. जो भी हमें expose करना होगा, engine को execute करना होगा, सभी task हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. then last the servlet are supported by several web server. कौन कौन से वेब सर्वर का हम यहाँ पे सपोर्ट करते हैं? सच लाइक अपाचे, नेट स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट IIS एंड अदर. डिफरेंट कोई भी हो सकते हैं, तो सभी सर्वलेट कंटेनर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? सपोर्ट करने वाले, इजीली इसको यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एन, कि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन चालू है, याद रखो. तो नेक्स्ट दैट इज एन व्हाई अ सर्वलेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों सर्वलेट ही क्यों हमें यूज़ करना है? कि बाकी के दूसरी भी टेक्नोलॉजी हो सकते हैं मार्केट में, वो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, बस सर्वलेट ही क्यों हम यूज़ करेंगे? कि क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? सिंपल, अभी तक जो भी हमने देखा उसके अंदर से हम सिर्फ एडवांटेज जो भी है वो बाहर निकालो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा. तो फर्स्ट जैसे आर लोडेड इन टू मेमरी वंस एंड रन मेमरी देयर आफ्टर. ओके, सिंपल है कि हमें क्या करना पता है? वन टाइम इसको जस्ट लाइक बाय यूजिंग अ डॉट क्लास फाइल एक्सटेंशन हमने देखा था कि वंस ही हमें क्या करना है? हमारे मेमोरी के अंदर इसको लोड करना है एंड ऑटोमेटिकली बाकी के टाइम हमें क्या करना है? सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करने का टास्क परफॉर्म करना है. दैट इज, सो इट इज देयरफॉर वी यूज अ जावा सर्वलेट. देन नेक्स्ट आर पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन HTTP. पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन है. ओके, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? इन बाय यूजिंग एन HTTP जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. ओके, रिक्वेस्ट इन द सेंस जो URL हम पास करेंगे, तो URL के अंदर बाय यूजिंग गेट पोस्ट मेथड जो भी डेटा हमें फेच करना होगा तो रिक्वेस्ट से करेंगे एंड रिस्पॉन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मुझे बैक टू द ब्राउजर सेंड करेंगे. सो देन नेक्स्ट आर पोर्टेबल अक्रॉस मल्टीपल वेब सर्वर्स एंड प्लेटफॉर्म. ओके, CGI के अंदर हमें डिसएडवांटेज था कि वो पोर्टेबल नहीं था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था. तो पोर्टेबल इन द सेंस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी वेब सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेब सर्वर मल्टीपल प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो दैट इज वी यूज एंड सर्वलेट. देन नेक्स्ट अ सिंपल टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सेम डिसएडवांटेज क्या था हमारे CGI के अंदर? कि difficult for a beginner. okay, simple है, simple to design, simple to implement. so कोई भी यूजर होगा, इन द सेंस बिगिनर हो सकता है, एक्सपीरियंस होता है, तो सभी के लिए क्या है? सिंपल है, इजी टू डिजाइन, इजी टू इम्प्लीमेंट. सो वी यूज एंड सर्वलेट. देन द सर्वलेट क्लाइंट रिक्वेस्ट इफिशियंसी. क्लाइंट यहाँ पे क्या कर सकता है कि जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे फ्रिक्वेंटली सेंड कर सकता है उसके रिस्पॉन्स उसको मिलने वाले हैं। जैसे लाइक कि सीजीआई के अंदर क्या था डिसएडवांटेज कि मल्टीपल्स यूजर्स होंगे तो उसका जो स्पीड है वो कम हो सकता है, बट सर्वलेट के अंदर जावा सर्वलेट के अंदर क्या हो हमें ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि मल्टीपल होंगे या जितने भी नंबर्स ऑफ थ्रेड रिक्वेस्ट होंगे तो इसको हम क्या करेंगे इन अ सिंगल प्रोसेस वन प्रोसेस के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो स्लो भी नहीं होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगी लैक नहीं होगा, हम इसको अच्छे से पावरफुल परफॉर्मेंस के अंदर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। So therefore we use an servlet. Obey the rules of a standard servlet API. Okay, obviously standard एक product हमें मिलने वाला है via servlet, तो standard API provide कर रहा है servlet, so we use a servlet. The next the are robust, robust in the sense strong, scalable in the sense multiple requests, multiple queries, multiple थ्रेड मल्टीपल प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है। सिक्योर, ओके सिक्योरिटी वाया यूजिंग एन HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल हम यूज करें सो दैट इज एन सिक्योर वेब ब्राउजर। एंड देन CGI रिप्लेसमेंट है CGI के इन द सेंस CGI के अंदर अभी हमने देखा जितने भी डिसएडवांटेज CGI के सभी हम यहाँ पे ओवरकम कर चुके हैं। सो वी आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन CGI एंड बीइंग वन ऑफ on the server side provide a code protection. Okay, secure है तो we provide a server side code protection technology, so we protect our code or protect our user server any information. Then are supported by a several web server. Okay, multi जैसे like हमने बोला था कि multi user से कि multiple server के ऊपर हम क्या कहते हैं execute कर सकते हैं और obviously are supported by multiple web server. Okay, तो simple why servlet हम यूज करते हैं, समझ में आया? फिर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके पास रेडी है। Then next what can do a servlet? Okay, same thing again हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या देखेंगे कि servlet क्या क्या चीजें कर सकता है। Okay, why हम यूज कर रहे थे वो देखा, अभी what can do a servlet? servlet क्या क्या कर सकता है? The servlet is a small self-contained portion of an code that execute a web server in a response to a HTTP request from a client browser. Okay, simple flow में जाते हैं। Client क्या करेगा? On a browser specifically request generate करेगा। According to that request हम क्या करेंगे? Code होगा हमारे पास predefined code या small code, self-contained code होगा और यहाँ पे execute करेंगे and उसके accordingly जो भी response होगा हमारा जनरेट होने वाला। ओके सिंपल, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट। ओके एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट द थ्योरेटिकल फर्स्ट समझ के लो, देन हम प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे। सो सर्वलेट कैन डू फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन से थिंग्स हम कर सकते हैं वाई यूजिंग सर्वलेट। द सर्वलेट कैन प्रोसेस एंड स्टोर डेटा सबमिटेड ऑन HTML फॉर्म। के ऑब्वियसली हम HTTP यूज करें सो HTML फॉर्म। ओके तो HTML फॉर्म आप किस तरह से डिजाइन करोगे आपके ऊपर डिपेंड है, तो दैट इज एन HTML फॉर्म। देन सर्वलेट कैन प्रोवाइड अ डायनामिक कंटेंट। के डायनामिक इन द सेंस CSS यूज कर सकते हैं, इमेज ऑडियो वीडियो जो भी डायनामिक कंटेंट आपको यूज करना है सभी कंटेंट आप पे यूज कर सकते हैं। या जस्ट लाइक कि जो भी रिजल्ट आपका होगा कि जो डेटाबेस क्वेरी अकॉर्डिंग टू डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा वो भी कनेक्शन कर सकते हैं फॉर एन डेटाबेस कंटेंट, सो डायनामिक कंटेंट। द नेक्स्ट द सर्वलेट कैन मैनेज द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ टॉप स्टेटलेस HTTP। ओके फॉर एग्जाम्पल, ओके स्टेटलेस के लिए क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं? फॉर एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट सिस्टम which manage a shopping cart for many concurrent customer and map many requests to a right customer. Okay, जैसे like कि जितने भी numbers of users होंगे on a online website page, okay हर एक के ऊपर हर एक के पास क्या होता है अपनी information होती है in a cart। okay, add to cart वाला जो option आप सभी ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होती है कि हर एक यूजर की अपनी खुद की information होती है। so add to cart information क्या होती है जैसे like कि जो stateless, okay जो चेंज हो सकती है, ठीक, जो फिक्स नहीं है कि ऐसी इंफॉर्मेशन भी हम क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज करते हैं। कि फॉरेन टेम्प्रेरी पर्पज़ होते हैं, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ता है, मैनेज करना कंपलसरी है। तो ये जो काम होगा ये भी हम वाया यूजिंग एन सर्वलेट करते हैं। नेक्स्ट द सर्वलेट कैन बी यूज एज अ प्लग इन। ओके, तो प्लगिंग इन द सेंस क्या होगा, दैट फीचर्स ऑफ सर्च इंजिन और सेमी कस्टमाइज एप्लीकेशन सच एज वेब बेस्ड बैंकिंग और इन्वेंटरी सिस्टम। ओके, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जो कोड होगा हमारा वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर इंसर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सर्वलेट होगा यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, उसके जो फीचर्स है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट द सर्वलेट कैन मेंटेन अ ट्रैक सेशन, जितने भी रिकॉर्ड होंगे तो इजीली हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो वाया कुकीज। एग्जांपल यहाँ पे ट्रैक सेशन के लिए याद रखते हो सकते हो कुकीज। द सर्वलेट कैन क्लीन अप द सेशन व्हेन अ सेशन इज टर्मिनेटेड आइदर लॉगिंग ऑफ और टाइम आउट। दो वे से जो सेशन होगा या ट्रैक कर रहे हो उसको ऑफ हो जाएगा, जैसे लाइक वन इज रीजन ऑफ टाइम आउट एंड सेकेंड इज एन लॉग इन ऑफ। जैसे कि लॉग इन ऑन होने के बाद ही हम जो कुकीज होगा वो प्रॉपर वर्क होता है, और लॉग ऑफ करने के बाद ऑटोमेटिकली वो डेटा हम क्या कर दिया वहाँ से क्लीन अप कर देते हैं। देन नेक्स्ट द सर्वलेट कैन पास डेटा बिटवीन देमसेल्फ। ओके, दे फ्रॉम वन पेज टू वन अदर पेज, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट इजिली डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। दैट इज सर्वलेट ये चीज़ें करता है। देन लास्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिग्म। क्या है हमारा सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिग्म? द सर्वलेट आर बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन रिस्पॉन्स पैराडिग्म। ओके, वेयर अ रिक्वेस्ट इज जनरेटेड एक्सेप्टेड ऑन रिस्पॉन्स इज जनरेटेड। कि कहाँ पे होता है हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है, कहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। दो डिफरेंट थिंग्स है कि कहाँ पे होगा, कि हर किसी को क्वेश्चन होगा कि सर्वर के अंदर ये दो चीज़ें हो रही है तो किस तरह से हो रही है, कौन कर रहा है। तो लेट्स देखते हैं। तो फर्स्ट अ सर्वर रन बिहाइंड द सीन। ओके, ऊपर हमें कोई भी दिखने वाला नहीं है, सर्वलेट किस तरह से एग्जीक्यूट होने वाला है। बिहाइंड द सीन हमारा जो सर्वलेट है वो रन होने वाला है ऑन अ वेब सर्वर। द सर्वलेट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क for creating an application that implement a request and response paradigm which is bound to a web server। ओके, कि अभी सर्वलेट क्या करने वाला है। ओके, एक स्पेसिफिकली एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम सर्वलेट के लिए फॉर एन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिग्म। ओके, सो जस्ट लाइक इसके अंदर क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स थिंग्स है तो किस तरह से वर्क होंगे, तो चीज़ें देखते हैं। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिग्म फर्स्ट क्या होगा, वेब ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर फॉर एन HTTP कंटेंट। जस्ट लाइक आपका एक कोई भी HTML पेज है, जस्ट लाइक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एग्जांपल देखते हैं। इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि आप क्या कर रहे हो, एक HTML पेज है कि आपने BSc में हर किसी ने किया होगा या नॉर्मल 11th 12th में हो गया, तो भी एक HTML पेज एक नॉर्मल फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओ एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट। ओके, रिक्वेस्ट अब यहाँ पे हम क्या सेंड करें कि जितने भी डेटा फिल हमने किया है, तो रिक्वेस्ट क्या होगी, जितना भी डेटा हमने फिल किया है सभी डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। ओके, ये सिंपल रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे की आफ्टर फिलिंग अ फॉर्म। देन सेकेंड क्या हो रहा है, सर्वर इज फॉरवर्डेड दिस रिक्वेस्ट टू अ सर्वलेट। सभी इंफॉर्मेशन लेंगे एंड सर्वलेट के पास लेके जाएंगे, एंड सर्वलेट क्या करेगा वो आगे फॉरवर्ड करेगा टू द डेटाबेस। देन डेटाबेस के अंदर क्वेरी फायर होगी एंड देन क्या होगा, सर्वलेट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, कंस्ट्रक्ट द अप्रोच रिस्पॉन्स एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स ऑफ रिक्वेस्टिंग अ वेब ब्राउजर वाया वेब सर्वर। ओके, देन क्या होगा, जो हमारा डेटाबेस होगा या जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या करेगा, जो हमारी क्वेरी होगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रन करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स होगा, इन द सेंस सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुली इंसर्टेड, या जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। ओके, समझने के लिए और एक एग्जांपल इसके अंदर देते हैं। तो अगेन गोज टू स्टेप वन कि हमारा वेब ब्राउजर है, उसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं फॉर एन PNR। ओके, इन द सेंस जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट है प्रिंसिपल नंबर एंड रेट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एग्जांपल सो फर्स्ट जो हमारा पेज होगा HTML पेज, उसके अंदर हमें एक फॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स दिया है। इसके अंदर तीन वैल्यू है, प्रिंसिपल नंबर एंड फ्रेट, नंबर्स ऑफ मंथ, नंबर्स ऑफ ईयर जो भी है। देन उसके अकॉर्डिंगली नीचे बटन है दैट इज कैलकुलेट। अब तक कैलकुलेट रिक्वेस्ट के साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है कि प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई हमारे नेक्स्ट सर्वलेट के पास। देन अकॉर्डिंग टू वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या करेगा, उसके पास एक फॉर्मूला होगा फॉर फाइंडिंग एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज हमने इंसर्ट की है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू जनरेट होगी, जो भी नंबर्स वैल्यू जनरेट होगी, अगेन कम बैक टू आवर वेब पेज, वेब ब्राउजर एंड शो द आउटपुट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज डैश, जो भी अमाउंट है वो वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। ओके, दैट इज डन बाय अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिज्म। ओके, इफ इसके अलावा भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन तो वेलकम है सबके लिए। सो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।